नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर झज्जर से है, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल झज्जर में प्रत्याशी और रोहतक लोस के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे और वो पूर्व सीएम ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश में हवा निकल चुकी है और हरियाणा में इसका मुख्य कारण कांग्रेस द्वारा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने में 1.5 महीने की देरी है। और वो सीएम अब तक बता दें कि हरियाणा में 35 जनसभाएं कर चुके हैं और जब तक कांग्रेस हरियाणा में संभलेगी तब तक बीजेपी प्रदेश के सभी 90 हलकों को कवर कर चुकेगी। सामने वालों की हवा निकली हुई है बिल्कुल, क्योंकि एक तो महीना 1.5 महीना जिस प्रकार से उनके यहाँ विलंब उन्होंने किया है, आज जनता का माहौल बन चुका है। मैं स्वयं और हमारे मुख्यमंत्री हम लोग लगभग 35 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और हमारा कार्यकर्ता एकदम चार्ज है। 3.5 लाख कार्यकर्ता ऊपर से नीचे तक सब अपने काम में लगा है, गली मोहल्ले में भी, सभाओं में भी और जितनी व्यवस्थाएं उनमें भी लगा है। और अभी जब तक वो संभलेंगे तब तक तो हम 90 के 90 विधानसभाओं में अपने नामांकन वगैरह करने के साथ साथ 8 या 10 तारीख तक हमारी सारी रैलियां पूरी हो जाएंगी और उसके बाद केंद्रीय नेताओं के हमारे कार्यक्रम शुरू होंगे और वोटिंग के दिन बहुत एक मजबूत तरीके से वोटिंग भी अच्छी होगी ऐसा मैं मान के चलता हूं और उस वोटिंग अच्छी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ेगी। चरखी दादरी लघु सचिवालय में डीसी मनदीप कौर और एसपी पूजा वरिष्ठ ने प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जानकारी दी गई। वहीं डीसी मनदीप कौर ने बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ईवीएम के रेंडमाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और साथ ही जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। और साथ ही डीसी मनदीप कौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी निर्देशों के तहत सभी पार्टियों की रैली और जनसभा करने के लिए जगह निर्धारित की गई है। और वहीं उन्होंने जिले के नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। और इसके साथ एसपी पूजा वरिष्ठ ने बताया कि लाइसेंस हथियार धारकों को हथियार को जमा करवाने के नोटिस दिए गए हैं। जो ईवीएम्स की फर्स्ट रैंडमाइजेशन है 25 अप्रैल को हुई है, आज वोट बनाने का लास्ट डे है, विच इज हमने दो बारी न्यूज़पेपर्स में भी दे दिया है 26 अप्रैल। तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4-5 ज्वाइंट कॉन्फ्रेंसेज हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम टुगेदर इकट्ठा करते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आई। एक इशू आया था कि कुछ जो हमारे सिटीजन्स हैं डिस्ट्रिक्ट के उनके वोट्स नहीं बने थे, तो उसके मद्देनजर हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं। जैसे अभी पीछे आपको पता होगा कि हमने नर्सिंग कॉलेज है वहां पे भी कैंप्स लगाए हैं और अभी प्रोक्योरमेंट चल रही है तो मंडी में भी हमने कैंप लगाया है और हम वैसे भी मंडी में राउंड ले रहे हैं। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पंचकुला से। करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने खेला दांव। बड़ी खबर, अहम जानकारी। पूर्व सीएम मनोहर लाल से कांग्रेस प्रत्याशी की फाइट। पूर्व सीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बुद्धि राजा। बड़ी खबर, अहम जानकारी। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी है
दिव्यांशु बुद्धि राजा, पंचकुला कोर्ट ने बुद्धि राजा को पीओ घोषित किया। वर्ष 2018 का डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का मामला, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, पंचकुला कोर्ट ने करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने खेला दांव। पूर्व सीएम मनोहर लाल से कांग्रेस प्रत्याशी की फाइट, पूर्व सीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बुद्धि राजा। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धि राजा, पंचकुला कोर्ट ने बुद्धि राजा को पीओ घोषित किया, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व सीएम मनोहर लाल से कांग्रेस प्रत्याशी की फाइट, पूर्व सीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे बुद्धि राजा। करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने दांव खेला है, पूर्व सीएम मनोहर लाल से प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी की फाइट। कुरुक्षेत्र पुलिस ने शाहबाद के घर से नकली और बता दें कि गहने चोरी करने वाली महिला को आरोपी गिरफ्तार किया, और साथ ही शाहबाद के घर से नकली और गहने चोरी करने की वारदात को एकमात्र हफ्ते में सुलझाते हुए बब्याल जिला अंबाला वासी महिला आरोप गिरफ्तार करके चोरी शुदा नकदी और गहने बरामद करने में सफलता उन्होंने हासिल की। और वहीं जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा दो प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि नीरज गुप्ता वासी शाहबाद की मां काफी समय से बीमार थी, जिसके लिए उन्होंने एक केयर टेकर रखी हुई थी। 18 अप्रैल को वो अपनी माता को इलाज के लिए मोहाली लेकर गए। शाम को जब वापस आए तो उनकी केयर टेकर बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली और घर के अंदर रखी अलमारी में 3 से 4 लाख रुपए और 10 से 15 तोला सोने के गहने चोरी करके कोई ले गया, और जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज किया गया। ये 18/4/2024 की वारदात है। शाहबाद में एक चोरी हुई है, तीन दहाड़े। जो घर का मालिक था नीरज गुप्ता, वो उसकी मदर जो नितेश गुप्ता है उसको लेकर पोल्ट्री अस्पताल में गया हुआ था मोहाली में, और उनके घर में पीछे से फुल टाइम मेड इन्होंने रखी हुई है, वो रहती थी, मतलब उस दिन भी वो अपने घर पे ही मौजूद थी। और ये जो लेडी है कमलेश, ये करीब 2 साल से इनके घर में बतौर मेड काम कर रही है। तो जब ये उस दिन वापस आए हॉस्पिटल से, इन्होंने देखा कि इनकी मेड जो है वो बाथरूम में बेहोश पड़ी है, और घर की जो अलमारियां थी और बाकी सामान था वो बिखरा पड़ा था। इन्होंने तुरंत पुलिस को डायल 112 को फोन किया और पुलिस को सूचित किया, फिर इसको लेडी को हॉस्पिटल लेके गए और इसको वहां हॉस्पिटलाइज कराया। करनाल में श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। और बता दें कि श्रमिक कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय कामगार संघ हरियाणा की तरफ से आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कामगार संघ ने सीएम नायब सैनी और बीजेपी को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। सम्मेलन में पहुंचे सीएम ने कहा कि बीजेपी ने मजदूर वर्ग के लिए सबसे अधिक कल्याण की योजनाएं चलाई। कांग्रेस प्रत्याशी सूची जारी होने पर नायब सैनी ने कहा कि अब कांग्रेस मैदान में है, यह अच्छा हुआ कि उन्होंने टिकट सूची जारी कर दी है। अजय चौटाला द्वारा पूर्व सीएम मनोहर लाल के बारे में दिए बयान पर नायब सैनी ने कहा कि मनोहर लाल बड़े नेता हैं, हरियाणा में बहुत काम किया है। ब्रज शर्मा को जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा, जेजेपी का पूरा संगठन चला गया था। कामगार संघ के देश के पदाधिकारी जिले प्रमुख श्रमिकों के, वो आज सभी करनाल में एकत्र आए थे, और आज हरियाणा के हमारे श्रमिकों ने एक यहां से संकल्प लिया है कि हरियाणा का पूरा श्रमिक, क्योंकि पहली बार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया है, और आज पूरा का पूरा श्रमिक ये संकल्प लिया है
कि हम एक एक वोट वो कमल के फूल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें देने का काम करेंगे और उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों को हमने कहा है कि पीछे भी जब मैं लेबर मिनिस्टर था तब भी इनके कुछ पदाधिकारी हमने उसमें कमेटी में लिए हुए थे और उनके हाथ में जो भी वो योजना बनाते थे उस योजना के आधार के ऊपर उन तक लाभ पहुंचता था और उस बात से ये बहुत संतुष्ट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने और ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी ने गरीबों के लिए बहुत योजनाएं चलाकर उन तक लाभ पहुंचा। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी है सर, गुरुग्राम में अभी भी पेंच फंसा है, श्रुति और बिजेंद्र का टिकट कट गया है। आप देखिए क्योंकि उनका आंतरिक मामला है टिकटों का, परंतु लिस्ट निकाली तो अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगे? अब मैदान में है, अब अच्छा है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, मैंने कहा है कि आज पूरा का पूरा श्रमिक आज एकत्र आया है और उन्होंने एक मुश्किल संकल्प लिया है कि हम कमल का बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्योंकि मैं खुद श्रमिक हूँ, मैंने मालूम है श्रमिक की गरीब की समस्याएं क्या है। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, उसको मालूम है कि देश के गरीब की समस्याएं क्या है। आज देश का गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला। अजय चौटाला का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल की कोई हैसियत नहीं है, अजय चौटाला ने कहा है, ना वो विधायक है ना वो मंत्री है, वो क्या जांच करेंगे। मनोहर लाल जी बहुत ही सीनियर व्यक्ति है हमारे, उनका आशीर्वाद है, हमारे संतों पर आशीर्वाद है। हरियाणा के अंदर उन्होंने जबरदस्त काम किए हैं, हरियाणा के लोगों को लंबे समय तक उसका लाभ मिलने वाला है, घर बैठे मिलने वाला है। और अगर इस प्रकार की वो बातें करते हैं, जो भी विषय मेरे ध्यान में आएगा उसको। जेजेपी ने बना अध्यक्ष बदल दिया, आज ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया, जेजेपी ने ब्रिज शर्मा को अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि जजपा का पूरा संगठन वो चला गया था, अब तो वो तोड़ के इधर उधर से कहीं से बनाते हैं और जन का विश्वास खो चुके हैं। चाहे INLD है, चाहे जजपा है, चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस भी लंबे समय तक झूठ बोलती रही है, झूठ बोल करके वोट लेती रही है, परंतु आज गरीब व्यक्ति समझा। आज आप देख रहे हैं कितने श्रमिक भाई एकत्र आए हैं, इसके अंदर रेडी वाले फड़ी वाले सभी गरीब व्यक्ति, गरीब तबका आया है और ये बोल रहा है कि हम जब तक 25 मई तक एक एक वोट निकल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये गरीब लोगों का कहना है, ये श्रमिक लोगों का कहना है। आज क्योंकि उनके हित में 10 वर्षों में काम हुए हैं, तभी तो ये लोग आगे आकर के मोदी जी को मजबूर। एक सवाल और गुरुग्राम कोर्ट में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ है 50 करोड़ की घूस का, डर्गेंट कंपनी की तरफ से दाखिल कराया गया, किस सरकार इस मामले की जांच कराएगी। जो भी मेरे ध्यान में आएगा, मैंने कहा है, मैंने तो पहले भी कहा है, जो भी मेरे पास कोई एप्लीकेशन आएगी उस एप्लीकेशन के आधार पर काम। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ साथ कांग्रेस की भी अपनी आपसी लड़ाई भी सड़कों पर आ गई है। इस दौरान उन्होंने VVPAT को लेकर सुप्रीम कोर्ट की याचिका रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और JGP पर जुबानी प्रहार किया। अनिल विज ने कहा कि उच्च न्यायालय का ये बहुत स्वागत योग्य फैसला है, कुछ लोग इसे रोने का इश्यू बना रहे हैं क्योंकि उन्हें हार सामने दिख रही है। पूरा महीना लगा है इनको लिस्ट तय करने में और रोज इनकी लड़ाई हुई है, रोज ये घोषणा करते रहे आधिकारिक तौर पर कि शाम तक आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन वो कल नहीं आई और लिस्ट बाहर आ गई है, लिस्ट के साथ लड़ाई भी बाहर आ गई है।
जो लड़ाई अंदर बैठ के दफ्तर में हो रही थी अब वो सड़कों पर हो रही है, क्योंकि इनकी लड़ाई की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो जड़ें अपना असर जरूर दिखाएंगे। कांग्रेस ने हरियाणा की 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अंबाला से वरुण मुलाला को टिकट मिला और साथ ही सिरसा से कुमारी शैलजा को टिकट मिला, और शैलजा पहले भी सिरसा से दो बार सांसद रह चुकी हैं। हिसार से जयप्रकाश को टिकट थमाया गया और करनाल लोकसभा से युवा नेता दिवांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, और साथ ही बता दें कि सिरसा से कुमारी शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा पर भरोसा जताया, अंबाला से वरुण मुलाना, हिसार से जयप्रकाश, करनाल से युवा नेता दिवांशु बुद्धिराजा और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह पर भरोसा जताया। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, और जिसमें फरीदाबाद लोकसभा से कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया है, और जिसके बाद उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 लाख पार का नारा सिर्फ एक जुमला है और जनता इसकी असलियत पहचान गई है। और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुज्जर से मुकाबले को लेकर महेंद्र प्रताप ने कहा कि अब प्रदेश की स्थिति बदल चुकी है और अब कोई मुकाबला नहीं है। देखिए भैया, बात सुनो, ये तो मैं नहीं जानता, पर एक बात मैं कह सकता हूँ अपने विश्वास इत्मीनान से, अमर कृष्ण पाल जी इलेक्शन लड़े, ये बीजेपी ने लोग के अलायंस से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। मैं इनसे हारा भी हूँ, पर एक बार तो 61 वोट से हारा, जबकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। दूसरी बार जनभावना, मैं जनभावना का जिक्र कर रहा हूँ, इतनी प्रबल हो गई, कांग्रेस ने टिकट दे दिया और 63,000 कुछ वोटों से जनता ने मुझे जिताया। जनभावना आज क्या जनभावना है, मैं फरीदाबाद की बात कह रहा हूँ। मैं बताया था इलेक्शन लड़ने का इच्छुक नहीं था, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, विजय ने किया और साथियों ने किया। ठीक कैंडिडेट हैं, वो अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी ने सर्वे कराए कई तरह से, और सर्वे के आधार पर हर आकलन किया, इस जिले में उस जिले का सोशल इंजीनियरिंग का, और जनता के व्यूज, उसमें फिर ये फैसला पार्टी ने लिया कि इन्हें भी महेंद्र प्रताप को बनाइए। खैर जो कुछ भी हुआ, मुझे सर्वे के आधार पर, जनभावनाओं के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया। मेरी इच्छा होती तो मैं पहले ही अप्लाई कर लेता। कुरुक्षेत्र पुलिस ने उमरी में घर पर गोली चलाने के आरोप में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। घटना पर जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उमरीवासी महिला सुमन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में घटना के बारे में जानकारी दी थी। प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल की टीम ने घर पर गोली चलाने के आरोप में सचिन उर्फ चीचड़ पुत्र सीता रामवासी
महम जिला रोहतक को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था और फिलहाल नाबालिग को अदालत के आदेश पर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। क्या बताएंगे? इसमें 17/4/2024 को उमरी गांव में सुभाष के घर पे गोलियां चली थी और ये सुभाष जो है इसके घर पे पहले भी एक बार गोली चली थी 19/1/2024 को, जिसमें सुभाष की मृत्यु हो गई थी। सुभाष को 4 गोलियां उसकी लगी थी और 2 गोलियां इसकी पत्नी को लगी थी, सुमन की। तो उस मर्डर केस में हमने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक गर्भित है और दूसरा लड़का शिवम उर्फ काली है। उस वारदात में भी इसी तरीके से इन्होंने की थी। शिवम के साथ एक शंकर नाम का लड़का था, उस दिन भी ये बाइक पे आए थे और सुभाष के घर के आगे जाके गोलीबारी करी थी, जो 4 गोलियां सुभाष को लगी थी और 2 उसकी बाइक पर लगी थी। खबर पंचकुला से है, जहां घग्गर नदी के साथ लगते सड़क मंगोली कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई और जिसके सूचना मिलते ही बता दें कि हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे बातचीत की गई। जानकारी मिली है अभी पहली इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि ये जो आग लगी है बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, लेकिन इसकी एक हम जांच जो है वो SDM के द्वारा इसकी करा करके क्या कारण रहे हैं और क्या आगे और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसके लिए जांच कमेटी बिठाएंगे। मैं समझता हूं कि जिन लोगों का, जिन गरीब भाइयों का नुकसान हुआ है। किसानों का रेल रोको आंदोलन का आज 10वां दिन है और इन 10 दिनों में प्रभावित रेलगाड़ियों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। आज भी 1657 रेलगाड़ियां आंदोलन से प्रभावित हुई, जिसमें 341 मेल एक्सप्रेस और 412 पैसेंजर ट्रेन से रद्द की जा चुकी है। बाकी कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और साथ ही कुछ ट्रेन के रूट बदले गए हैं। वहीं यात्रियों का कहना है कि वे कल से स्टेशन पर बैठे हैं और अभी तक ट्रेन का कुछ पता नहीं है और इसके साथ ही प्रभावित गाड़ियों की संख्या बढ़ने से खुद रेल अधिकारी भी परेशान हैं, क्योंकि प्रभावित गाड़ियों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मोहम्मद कलीम जी, कल हम 2 बजे से यहाँ बैठे हैं सर, ट्रेन के वास्ते हमको ट्रेन बुकिंग है, AC वाला टिकट लिया हुआ है, वो भी नहीं आ रही गाड़ी अभी तक, ये अम्बाला से गोंडा तक जी। और कहते हैं कुछ नहीं कहते, कहते 2 घंटे के बाद आ रहे, 3 घंटे के बाद आ रहे, 2 घंटे के बाद आ रहे, खाली टाइम दे रहे हैं हमको, ये कुछ बता नहीं रहे हैं कि रद्द कर दिया हमने, क्या कर दिया, यही रद्द कर दिया, हम लोग अपने घर तो जाए आराम से, अब हम वेट कर ही रहे हैं सर, नहीं करेंगे तो क्या कहते, पैसे भी वापस नहीं होंगे अब। हाँ जी, परेशानी तो ये यहाँ पर पैसे कहे तो पैसे नहीं आओगे वापस, अभी पटियाला वापस जाओ, जहाँ से आए वहाँ वापस करो जाके, हम कहाँ कहाँ दौड़ेंगे साहब। अभी तक टोटल 1657 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें से अफेक्टेड हैं, जिसमें 341 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और 756 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अभी तक डाइवर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 412 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और कुल मिला के अभी तक जो डाइवर्जन शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन है वो 147 ट्रेन का है। तो टोटल 1657 ट्रेनें आज मॉर्निंग तक की इफेक्ट है। देखिए, मैनेज करना तो डिफिकल्ट हो ही रहा है क्योंकि डाइवर्टेड ट्रेनें जो चल रही हैं सिंगल लाइन सेक्शन होने के कारण काफ़ी ट्रेनें लेट भी हो रही हैं इस चक्कर में, और जो डाइवर्टेड और कैंसिलेशन ट्रेन हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। बाकी अब तो ये स्थिति तो तभी सुधरेगी जब किसान यहाँ पे हटते हैं। कल सुबह से बैठे हैं सर यहाँ, नहीं कल 3 बजे के और 4:55 का टाइम था ट्रेन का, सारी रात में नहीं आई
और अब तक बैठे हैं, इंक्वायरी पूछते हैं, एक घंटे का टाइम देते हैं बस। बाकी परेशानी काफी है, क्या बोलने से ज्यादा। आप खुद देख रहे हो यहाँ सारे यात्री बैठे हैं। हमने हम कुरुक्षेत्र से आए हैं बरेली जाने में, पता नहीं सर ऐसे कौन बताता है। वैसे तो ये किसान आंदोलन की वजह से रूट बंद है और इसको इधर दूसरे रूट से लेके आया जा रहा है ट्रेन को, इसी वजह से शायद लेट है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।